think you must have had a very, very good breakfast this morning. Yeah. Because you're all coming very late. So maybe your bellies are very full. But I'm afraid we're going to have to do some work now. Because we're trying to explore what this educational revolution, a movement towards liberation, क्योंकि हमें देखना है कि एक शैक्षणिक क्रांति जो एक मुक्ति की ओर का आंदोलन है इसका क्या अर्थ है? So let's start by thinking a bit about the terms we're using. तो थोड़ा सा उन शब्दों के बारे में सोचते हैं जिन शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं. What do we mean by liberation? तो विमुक्ति इस शब्द से हमारा क्या अर्थ है? We're working towards liberation. तो हम विमुक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं. But we need to know what we mean by it if we're to understand what an educational revolution means. लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है अगर हमें ये समझना है कि शैक्षणिक क्रांति क्या है. रहता है इसलिए हम ऐसी चीजों को ढूंढते रहते हैं कि जिसको हम पकड़ कर रख सके और जिसको पकड़ के हमें लगेगा कि हम सुरक्षित हैं. तो खास करके हम दूसरे लोगों को पकड़ कर रखते हैं. But in the end, they're different. लेकिन अंत में वो अलग होते हैं. They don't do what you want to do always. और हमेशा आप जो चाहते हैं वही बातें वो नहीं करते. One day they die. और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है. If you haven't died first. अगर आपकी पहले मृत्यु नहीं होती. You can never make anything fixed and permanent in your hands. तो कोई भी चीज जो है आप पक्की और ठोस करके अपने हाथ में पकड़ कर नहीं रख सकते. It's a bit like trying to catch hold of a river. तो ये ऐसा होगा जैसे आप नदी को थाम कर रखने का प्रयास कर रहे हैं. You grab it. तो आप उसको पकड़ते हैं नदी को. Just slips through your fingers. और वो आपके उंगलियों से फिसल कर चली जाती. You cannot have the river. तो आप नदी को नहीं पा सकते. And a famous Greek philosopher, Heraclitus, said that you cannot step into the same river twice. तो हेरोक्लाइटस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रीक तत्ववेत्ता था और उसने कहा था कि एक ही नदी में आप दो बार कदम नहीं रख सकते. He lived about the same time as the Buddha, so interesting. और बहुत ही रोचक बात है कि जो बुद्ध का दौर था उसी दौर में वो भी थे, वो दोनों समकालीन. So I step into it once, there's one bunch of water molecules, H2O. तो एक बार मैं उसमें पैर रखता हूँ, कुछ पानी की जो बूंदे हैं, H2O रहती है वहाँ पर. I step into it again. और मैं उसमें दोबारा कदम रखता हूँ. Completely different H2O molecules. तो पूरी तरह से अलग H2O की बूंदे होती है. Everything is like that. तो हर चीज वैसी ही होती है. And our happiness, our liberation, lies in accepting that. और हमारा जो सुख होता है या हमारी जो विमुक्ति होती है इस बात को स्वीकार करने में होती है. It's very difficult to believe it. और इसको मानना बहुत ही मुश्किल है. We might understand it here. तो हम उसको यहाँ समझ लेते हैं. But here we still think we can find something clever. लेकिन यहाँ फिर भी सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कुछ ढूंढ लेंगे जो स्थायी है, नित्य है. So our education in pragya consists in getting it right deep down. तो प्रज्ञा में हमारा जो शिक्षण है वो इस बात से संबंधित है कि उस बात को गहरे तक लेकर जाना. Then of course the Buddha pointed out that we believe that there's a permanent I in here. और फिर बुद्ध ने दूसरी बात ये बताई कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर एक स्थायी स्व है. That there's I who is independent of all the changes that happen to me. तो ऐसा एक मैं है या स्व है जो उस बात से स्वतंत्र है, मतलब बाकी सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन ये उससे स्वतंत्र है, इस पर उसका कोई असर नहीं होगा. So try to find that I. तो उस मैं को स्व को ढूंढने का प्रयास कीजिए. Please look for it. उसके लिए जाइए, खोजिए. If you find it, come and show it. तो अगर आप उसको आपको मिल जाता है तो मेरे पास लाइए, मुझे दिखाइए. I've looked everywhere. मैंने हर जगह देखा है. तो कुर्सी पर, नीचे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, कहीं नहीं मिला. Where is this I? तो ये मैं
कहाँ होता है? Everything about me is also impermanent. तो मेरे विषय की, मेरे बारे में जो हर चीज़ है, वो भी अनित्य है. Do you have any pictures of yourself as a little baby? तो जब आप छोटे बच्चे थे, तब की क्या कोई तस्वीर आपके पास है? You must have pictures of your mummy holding you, kuchi kuchi kuchi. तो आपकी माँ ने आपको गोद में उठा रखा है और वैसा आपका कोई चित्रों का तस्वीर हो. You were such a beautiful baby. तो आप बहुत ही सुंदर से बच्चे थे. Look at you now. और अभी कुछ चित्रों के लिए. Are you really the same as this little baby here? तो वहाँ पर जो छोटा बच्चा था, क्या वैसे ही आप अभी हैं? There's actually nothing about you now that is the same as that little baby. तो अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं है वो जो बिल्कुल भी उस छोटे बच्चे की तरह. Oh, you're much better looking now, of course. या हो सकता है अभी आप इससे ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हो. But really, you're so different. लेकिन आप बहुत अलग हो. Just like the river, there's no cell in your body that's the same. तो उस नदी की तरह ही आपके शरीर की ऐसी कोई भी पेशी नहीं है जो कोई पेशी है एक जैसी है. Where is this I? तो ये मैं कहाँ है? Yes, there's a continuity of conditions between that little baby and you now. तो निश्चित ही परिस्थितियों की एक निरंतरता बनी रही है उस छोटे बच्चे में और अभी आप जैसे हैं उसमें. But there's no identity. There's nothing there that is not changed. लेकिन समानता ऐसे वहाँ पे कुछ नहीं है. ऐसी कोई भी बात नहीं है जो तब वैसी थी और अभी भी वैसे की वैसी ही उसमें बदलाव नहीं आया. The Buddha talked of this as anatma, anatma. और इसके विषय में बुद्ध कहते हैं कि ये अनात्म है. Atman is this fixed self, independent of change. तो आत्म का अर्थ होता है ये अलग सा मैं या स्व है जो बदलाव के अधीन नहीं है, जिसमें बदलाव नहीं होता. It doesn't exist. वो अस्तित्व में नहीं है. This is the Buddha's radical insight. और ये बुद्ध की बहुत ही मतलब क्रांतिकारी या परिवर्तनशील ऐसे अंतर्दृष्टि थी. At his time, and it still is the case today, Indian religion was obsessed with Atma. और उनके समय में भी और आज के समय में भी भारतीय धर्म जो है आत्मा की कल्पना से एकदम क्या कहते हैं उनके ऊपर हावी थी उनकी कल्पना. But the Buddha said, you can't find that Atma. लेकिन बुद्ध ऐसे कहते हैं कि उस आत्मा को आप खोज नहीं सकते. It's just an idea. वो केवल एक कल्पना है. It's a mental construction. वो एक मानसिक रचना है. And because you believe there's an I, it leads you to crave and cling and suffer. तो क्योंकि आप मानते हैं कि मैं ऐसा कुछ है, तो वो आपको तृष्णा की तरफ लेकर जाता है, चीजों को पकड़ कर रखने के लिए तरफ लेकर जाता है, फिर दुख की तरफ लेकर. So our educational revolution needs to lead us to get free from Atman idea. तो हमारी शैक्षणिक क्रांति ने हमें इस और लेकर जाना चाहिए कि ये आत्मा की जो कल्पना है उससे हम मुक्त हो सकते. And that will be liberation. और वही when we're free from Atman idea, well, we live happily. और जब हम आत्मा की कल्पना से मुक्त हो जाएंगे, तो हम सुख से जिएंगे. We're in tune with the way things are. और चीजें वास्तविक जैसी है, उसके साथ हम बहुत ही अच्छे से रह पाएंगे. Otherwise, it's a bit like walking around in the dark. Yeah? नहीं तो ऐसा कुछ होगा कि बस अंधेरे में हम चल रहे हैं. Yes, the dining room's down there, breakfast is down there. नीचे है, नाश्ता वहाँ पर नीचे है. But you don't really know where you're going. You don't know how to get there. लेकिन आप नहीं जानते कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जहाँ जा रहे हैं कैसे पहुँचना. And you keep bumping into things. You keep hurting yourself. तो आप चीजों से टकराते रहते हैं, अपने आप को चोट पहुँचाते हैं. And you hurt other people. और आप दूसरे लोगों को चोट पहुँचाते हैं. And the Buddha said there's another thing we need to realize. और बुद्ध ने कहा कि और एक बात है जिसका अनुभव लेना हमारे लिए आवश्यक है. We think that we can get perfect happiness within this existence. और वो ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि इस अस्तित्व के दौरान हम जो है परिपूर्ण सुख को पा सकते हैं. We think that we can create a set of circumstances which will be perfect. और हम ऐसा मानते हैं कि हम ऐसे कुछ परिस्थितियों का संच निर्माण कर सकते हैं जो कि एकदम परिपूर्ण होगा. And perfect forever. और वो हमेशा के लिए ही परिपूर्ण बना रहेगा.
can't be the case. Just think about it. लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता आप सोच के देखिए it's an illusion. वो एक भ्रम है. It's a mental construction. वो एक मानसिक कल्पना है. You can never arrange conditions so that they give you complete happiness. तो परिस्थितियों को किसी भी प्रकार से आप इस तरह से नहीं रख सकते कि वो आपको पूरी तरह से सुख दे. Those of you who are married, you remember. तो जिनकी आप में से शादी हो चुकी है उनको याद होगा. You really wanted to get married for all sorts of reasons. सभी कारणों के लिए मतलब हर प्रकार के कारणों के लिए सच में शादी करना चाहते हैं. And you thought when you are married, nirvana. और आपने सोचा जब शादी हो जाएगी निर्वाण मिल जाएगा. Well, you may have a good marriage. हो सकता है कि आप शादी अच्छी रही हो. But it's not nirvana. लेकिन वो निर्वाण नहीं थी. Still troubles are there. Still problems are there. तो अभी भी समस्याएं उसमें हैं. You think, oh, when I pass my exams, nirvana. और आप सोचते हैं जब मैं अपनी परीक्षा पास कर लूँगा निर्वाण मिल जाएगा. And वगैरह वगैरह वगैरह. But you think, when I retire. और आप सोचते हैं जब मैं निवृत्त हो जाऊँगा सेवानिवृत्त. All problems gone. सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. But problems never go in this conditioned existence. लेकिन ये जो संस्कारित अस्तित्व होता है इसमें से समस्याएं कभी भी दूर नहीं होती. And if you seek happiness within this set of conditioned phenomena, you are going to suffer. तो ये जो संस्कारित प्रक्रियाओं से भरा हुआ अस्तित्व है इसमें अगर आप सुख ढूंढेंगे तो वो नित्य नहीं रहेगा हमेशा के लिए. Of course you can have some happiness, you can have some pleasure. तो निश्चित ही आप कुछ सुख पा सकते हैं, कुछ आनंद पा सकते हैं. But it cannot last. लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता. And always some suffering will come. और हमेशा ही कुछ ना कुछ दुख तो आएगा ही. So the Buddha said we need to really recognize these three signs of conditioned existence. और इसलिए बुद्ध ने कहा कि संस्कारित अस्तित्व के ये जो तीन लक्षण होते हैं या चिन्ह होते हैं उनको हमें पहचानना आना चाहिए. Yes, they refer to the three lakshana. और उनको त्रि लक्षण ऐसे भी कहते हैं. So it's anicca, anatma, and dukkha. तो ये तीन लक्षण हैं अनित्य, अनात्म और दुख. And the Buddha says that if we can really see these clearly, we will be free. और बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन तीनों को वास्तव में देख पाए तो हम मुक्त हो जाएंगे. We won't cling to things. तो हम चीजों को चिपक कर नहीं रहेंगे. So we won't suffer loss. और इसीलिए कोई चीज जब हमसे खो जाती है तो हम दुख में नहीं होंगे. We'll be at peace with the world. We'll be at ease with the world. तो दुनिया के साथ हम शांति से रह सकते हैं, सहजता से रह सकते हैं. So we'll experience a happiness, a bliss that is not connected with conditioned things. और हम उस सुख को या आनंद को महसूस करेंगे जो सुख और आनंद जो है संस्कारित चीजों से जुड़ा हुआ नहीं होता. Baba Sahib talks about this in a letter that he wrote to a friend. और बाबा साहब इस विषय में बात करते हैं. He said that he early on learned from his father contentment. तो उन्होंने कहा कि बहुत ही पहले से मतलब बचपन में ही उन्होंने अपने पापा से मतलब पिता से संतुष्टि के विषय में सीख लिया. Not to be discontented with worldly circumstances. तो दुनिया की जो भी परिस्थितियां होती हैं उससे असंतुष्ट ना होना. And he said that he learned from that that happiness is to be found within us. और उन्होंने कहा कि उसमें से उन्होंने ये सीखा कि सुख जो है वो हमें अपने भीतर ही ढूंढना है. So he was on the journey to the Buddha Dhamma for a long time. और इसलिए वो बौद्ध धम्म की ये यात्रा जो है काफी लंबे समय से कर रहे हैं. So what I've said, I think you can probably all see is true. और जो भी मैंने कहा कि वो शायद आप सभी लोग देख सकते हैं कि उसमें सच्चाई है. You can see that everything's impermanent. आप देख सकते हैं कि हर चीज जो है वो अनित्य है. You can see that there is no permanent self. आप ये देख सकते हैं कि ऐसा कोई पक्का या स्थायी स्व नहीं है. Maybe if you think about it more, you can see that you can't find permanent happiness in this world. और अगर आप उसमें और भी गहराई से देखते हैं तो आप ये भी देख पाओगे कि इस दुनिया में आप कोई भी जो है स्थायी सुख It's not possible. ये संभव ही नहीं है. But we still act as if there were permanent things. लेकिन फिर भी हम इस तरह से व्यवहार करते रहते हैं कि स्थायी चीजें अस्तित्व में हैं. We still act as if there was an I
that was permanent. और हम इस तरह से व्यवहार करते हैं कि ऐसा कोई मैं है जो स्थाई है और परिवर्तनशील. We still go looking for complete happiness here in conditioned phenomena. और यहाँ पर संस्कारी जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें हम जो है वो सुख को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं. Even though we know it's not possible. भले ही हम इस चीज को जानते हैं कि ये संभव नहीं है. So how are we going to deal with that? तो फिर इससे हम कैसे निपटेंगे? That's the question. ये एक प्रश्न है. And there's an answer. और इसका उत्तर भी है. I'm going to give you the answer, but you're going to need to think about it. तो उत्तर तो मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन आपको उसके विषय में सोचना पड़ेगा. The Buddha said that the prajna shiksha, that the training in wisdom, has three stages. तो बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा का ये जो प्रशिक्षण है, इसके तीन स्तर होते हैं. The first level is just hearing the teachings. तो पहला स्तर होता है कि आप शिक्षाओं को केवल सुनते हैं. I've been talking to you about the three lakshanas, yeah? तो जैसे तीन लक्षणों के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ. So you've heard what I've said. तो मैंने क्या कहा ये आपने सुना है. So you need to make sure that you've understood it in a basic way. तो आपको देखना होता है कि क्या बुनियादी तौर से आपने उसको समझ लिया है जो सुना है. You need to make sure that you've understood what the words mean. तो आपको देखना होता है कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, क्या इसको आपने समझा है. At this stage, it doesn't matter whether you believe it or not. तो इस स्तर पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें यकीन रखते हैं या नहीं रखते. Just hear the Buddha's teaching. तो बुद्ध की शिक्षाओं को केवल सुनना है. And especially his teaching about the way things truly are. और खास करके उन शिक्षाओं को जो उन्होंने इस विषय में दी है कि चीजें वास्तविक रूप में कैसी हुई. This is called the prajna that consists in hearing. तो इसे कहते हैं वो प्रज्ञा जिसका संबंध सुनने से है. श्रुतमय प्रज्ञा. तो श्रुतमय प्रज्ञा. So we need to listen to what the Buddha is teaching. तो बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं उनको सुनने की हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है. And then when we've heard it, we need to reflect on it. और जब हम उन्हें सुन लेते हैं तो उसके ऊपर हमें चिंतन करना होता है. We need to do चिंतन माई प्रज्ञा. तो हमें चिंतन में प्रज्ञा करनी होती है. The wisdom that consists in thinking. तो वो प्रज्ञा जो चिंतन में या सोच विचार में समाई. So I said everything's impermanent. तो मैंने कहा कि हर चीज अनित्य है. You've heard that. आपने उसे सुना है. You know what the words literally mean conceptually. और उन शब्दों का अर्थ आपको मालूम है, उन संकल्पनाओं को आप जानते हैं. Is it true? तो क्या ये सच है? Think about it. तो उसके विषय में सोचिए. Test it. उसकी जांच कीजिए. Test it critically. और चिकित्सक रूप से उसकी जांच कीजिए. The traditional way is you actually look for something that might be permanent. तो पारंपरिक रूप से आप ऐसे किसी चीज को खोजेंगे जो कि स्थायी है.